जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रश्न कुंडली में चोरी के बारे में और चोर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि लगन से चोर का विचार कैसे किया जाता है। आज हम बात करेंगे लगन के दृष्टिकोण से चोर का विचार कैसे किया जाता है। उदित लगन जो होता है उसके तीन दृष्टिकोण बनेंगे। 0 डिग्री से 10 डिग्री तक पहला दृष्टिकोण, 10 डिग्री से 20 डिग्री तक दूसरा दृष्टिकोण और 20 डिग्री से 30 डिग्री तक तीसरा दृष्टिकोण। तो हम देखेंगे उदित लगन में जो भी राशि है और उसका जो भी दृष्टिकोण है। हम शुरू इसको कर लेते हैं मेष राशि से कि चोर का कैसे हम पता लगाएंगे, चोर का कैसे विचार करेंगे, उसकी स्वरूप कैसा होगा, वो दिखने में कैसा होगा, ये हम पता करेंगे लगन के दृष्टिकोण से। यदि हमारा मेष लगन हो उदित लगन और पहला ही दृष्टिकोण हो, पहले दृष्टिकोण का मेरा मतलब यहाँ 0 डिग्री से 10 डिग्री से है, तो चोरी करने वाला चोर डरावना होगा, दिखने में भयानक दिखेगा और बलवान होगा। जो वो पुरुष होगा चोर डरावना दिखेगा और भयानक होगा, बलवान होगा। यदि उसका दूसरा दृष्टिकोण होगा मेष राशि में 10 डिग्री से 20 डिग्री तक, तो चोर जो होगी एक महिला हो सकती है, लालची प्रवृत्ति की होगी, आभूषण का उसको बहुत ज़्यादा शौक होगा और भोजन करने की उसको बहुत ज़्यादा इच्छा होगी, इस प्रकार की स्त्री होगी जो चोरी में इन्वॉल्व हो सकती है। अब मेष राशि के तीसरे दृष्टिकोण की बात कर लेते हैं। तीसरा दृष्टिकोण होगा 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक। चोरी करने वाला जो पुरुष होगा क्रूर प्रवृत्ति का होगा, क्रोधी होगा, नियम को तोड़ने वाला होगा, नियम को ना मानने वाला, नियम को तोड़ने वाला होगा और शस्त्रधारी होगा। उसके पास कोई शस्त्र, कोई अस्त्र शस्त्र भी होगा, शस्त्र उसके पास होगा जिससे कि वो समय आने पर अपना बचाव कर सके, शस्त्र के साथ ही आएगा चोर। तो मैंने आपको मेष राशि के बारे में बताया, उसके तीन दृष्टिकोण के बारे में बताया। अब मैं बताता हूं आपको वृष राशि के बारे में। पहले दृष्टिकोण में यदि पहला दृष्टिकोण होगा 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक, तो चोर महिला हो सकती है, बाल कटी महिला हो सकती है, आभूषण की लालची हो सकती है, ऐसी महिला चोर हो सकती है। उसका दूसरा दृष्टिकोण देखते हैं। यदि 10 डिग्री से 20 डिग्री तक हो तो चोरी करने वाला जातक जो चोर होगा वो गृहस्थी होगा, गृहस्थ में रहने वाला होगा, कलाकार हो सकता है या कोई ड्राइवर भी हो सकता है। जो पुरुष है चोरी करने वाला वो गृहस्थी परिवार से होगा, मतलब अकेला नहीं होगा, परिवार के साथ रहता होगा, कलाकार हो सकता है या ड्राइवर हो सकता है। अब हम बात करते हैं वृष राशि के तीसरे चरण की। जो चोर होगा वो भारी शरीर वाला होगा, भारी भरकम होगा, शिकारी प्रवृत्ति का आदमी होगा, वो उसको जैसे शिकारी किसी चीज को ढूंढता है वो इस प्रवृत्ति का चोर होगा। तो हमने बात की वृष राशि के बारे में, इसके तीनों दृष्टिकोण के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि के तीनों दृष्टिकोण के बारे में। यदि पहला दृष्टिकोण है तो स्त्री सुंदर होगी, चोरी करने वाली स्त्री सुंदर होगी, संतानहीन होगी, ये उसकी निशानी हो सकती है। यदि दूसरा चरण है तो जातक चोरी करने वाला जो है वो शूरवीर होगा, अस्त्र के साथ आएगा, अस्त्र के साथ आएगा और जातक शूरवीर होगा। यदि मिथुन राशि का तीसरा दृष्टिकोण है तो जातक अस्त्र के साथ आएगा, धनी होगा, गुणी होगा, लेकिन उसको एक उसका पैशन होगा चोरी करना। कुछ लोगों को आदत होती है कि इस प्रकार के होते हैं, इस प्रवृत्ति के होते हैं कि उसका पैशन होगा चोरी करना। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि के तीनों दृष्टिकोण की। पहला दृष्टिकोण यदि हुआ 0 डिग्री से 10 डिग्री तक, तो जो चोरी करने वाला जातक होगा हाथी के समान बलिष्ठ होगा, मजबूत होगा काफी, और अकेला रहने की उसकी प्रवृत्ति होगी, जहां भी जाएगा वो अकेला जाएगा, रहेगा भी अकेला, इस प्रवृत्ति का वो चोर होगा। उसका दूसरे चरण की बात करते हैं कर्क राशि के दूसरे दृष्टिकोण की बात करते हैं 10 डिग्री से 20 डिग्री तक, चोर महिला होगी। और तीसरा दृष्टिकोण 20 डिग्री से 30 डिग्री तक, जातक नाविक हो सकता है, नाव चलाने वाला, मछुआरा हो सकता है, पुरुष जो चोरी करने वाला इस प्रवृत्ति का जातक हो सकता है, उसकी प्रकृति ये स्वभाव ये होगा, उसका कार्य ये होगा जो मैंने आपको बताया। अब हम सिंह राशि की बात करते हैं। यदि सिंह राशि का पहला दृष्टिकोण है
सिंह राशि का पहला दृष्टिकोण होगा 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में। तो जातक जो चोर होगा वो बिना माँ बाप के होगा, अकेला रहने वाला होगा, उसके ना माँ हो ना माता होगी ना पिता होगा, इस प्रवृत्ति का जातक होगा। तो यह भी हम पहचान कर सकते हैं कि जातक सिंगल है, उसके माता पिता नहीं है, तो चोर की पहचान हम ऐसे भी कर सकते हैं। यदि सिंह राशि के दूसरे दृष्टिकोण का हमारा लग्न हुआ 10 डिग्री से 20 डिग्री तक, तो जातक साधु हो सकता है, कपटी हो सकता है, जो पुरुष है वो साधु कपटी हो सकता है, चोरी करने वाला। यदि सिंह लग्न का तीसरा दृष्टिकोण है तो जातक भालू के समान उसका चेहरा होगा और अस्त्र के साथ ही आएगा, जब भी वो चोरी करेगा अस्त्र के साथ ही आएगा। तो जो जातक मेल जातक होगा चोरी करने वाला, अस्त्र के साथ ही आएगा चोरी करने के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के पहले दृष्टिकोण की बात करते हैं। यदि पहला दृष्टिकोण पड़ता है 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में लग्न का, प्रश्न कुंडली का, तो महिला जो होगी, कन्या जो होगी, भोली भाली कन्या होगी जो चोरी में इन्वॉल्व हो सकती है। यदि कन्या राशि का दूसरा दृष्टिकोण होगा 10 डिग्री से 20 डिग्री के अंदर, तो जातक मुंशी होगा, मुनीम होगा या अकाउंटेंट होगा, लेखापाल जिसको कहते हैं, इस प्रवृत्ति का प्रकृति का उसका कार्य होगा और इससे हम उसे पहचान सकते हैं। जो चोरी करने वाला होगा पुरुष वो इस प्रवृत्ति का होगा। इसके आखिरी चरण की बात, आखिरी दृष्टिकोण की बात कर लेते हैं, तीसरे दृष्टिकोण की। यदि तीसरा दृष्टिकोण हुआ 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री कन्या राशि में, तो महिला गोरी होगी चोरी करने वाली और सुंदर होगी। जो महिला चोरी करेगी, चोरी में इन्वॉल्व होगी, वह गोरी व सुंदर होगी। तो अभी मैंने आपको 6 राशियों के दृष्टिकोण के बारे में बताया। अगले वीडियो में बाकी 6 राशियों के दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।